मोबाइल से बैनर या पोस्टर मिनटों में कैसे बनाएं, चलिए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन से ही। पोस्टर या फोटो एडिट करने के लिए आप सबसे पहले एक पोस्टर मेकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आप जैसे ही जाएंगे तो आप सर्च कर लीजिए वहाँ पर पोस्टर मेकर। जैसे ही आप पोस्टर मेकर सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे लास्ट वाले में आना है क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, मतलब यूज़ करने में काफ़ी आसान है। तो आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं सीधे इसको ओपन करता हूँ और सीधे हम आ जाते हैं अपने पेज पर। पेज पर आने से पहले हमको कई सारे ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप आ जाइए। सबसे पहला जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का पेज खुलकर मिलेगा। फिर उसके बाद आप क्रिएट पोस्टर पे आते हैं। क्रिएट पोस्टर पे आने के बाद आपको एक रेशियो चुनना होता है कि मैं किस रेशियो का पोस्टर बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसमें मान लीजिए मैंने चूज़ कर लिया 16:9 का मैंने एक रेशियो इसमें लिया हुआ है। अब इसके बाद मैं इसे मैं बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, तो मैंने चलिए मानिए कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लिया। इसमें आप येलो इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेम में आप चूज़ कर लीजिए, वरना अगर आप टेक्सचर में कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप अगर ग्रैंड में लगाना चाहते हो तो ग्रैंड में लगा लीजिए, वरना अदरवाइज़ मैं जो है मेरे को सिंपली बनाना है तो मैं कलर पर आ जाता हूँ। मैंने कलर में सबसे ज़्यादा कॉर्नर पर जा करके वाइट को चूज़ कर लिया है, तो मुझे जो फॉर्मेट मिलेगा वो वाइट में मिलेगा। तो आप अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सबसे पहले अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें टाइप कर लिया वी एक सेकेंड मैंने टाइप कर लिया इसमें मैं इसमें टाइप कर दिया वैभव पांडे। तो इसके बाद आप इसमें बैक आ जाइए। बैक आकर के आप इसको क्लिक कर लीजिए। देखिए आपको इसमें मिल गया आकर के स्क्रीन में। अब इसमें आप गैस कर सकते हैं, आप कलर सबसे पहले इसका चेंज कर लीजिए। मैंने वाइट पे लिखना है, मैंने ब्लैक से लिख लिया। इसके बाद आप जो इसका ये इस तरीके से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा गया है आपने इसको स्क्रॉल कर लिया, या आपको जितना भी लिमिट में रखना है आप उतना लिमिट में रख सकते हैं। आप इसको इसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया मान लीजिए कि वैभव पांडे। मुझे इस टेक्स्ट में शैडो लगानी है, तो थोड़ा सा मैंने शैडो लगाने के लिए आप शैडो में जा कर के ये इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए पीछे से रेडनेस आ गई, कुछ शैडो जैसा आ गया है। फिर मैं जैसे छोड़ दूँगा तो मेरा यहाँ पर नाम लिख गया। अब इसके बाद क्या है, मैंने अपना जो है यहाँ पर देना है कि मैं वैभव पांडे हूँ। अब इसके बाद क्या हो गया कि मैंने लिख दिया कि फाउंडर, मैंने लिख दिया फाउंडर अ यूट्यूब चैनल। ठीक, तो अब मुझे ये मैंने लिख दिया है यूट्यूब चैनल। इसके बाद आप इसमें मैंने इसको क्लिक किया तो सेम डिटो मुझे ये लिख कर आ गया। अब इसको आप अपने हिसाब से सेटिंग में आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ लगाना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ फ़ोटो साथ में एडिट करना चाहते हैं तो इसमें उसका लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, आप सीधे सीधे आप ये इसमें नीचे लिखा हुआ है एक इमेज, आप इमेज में ऑप्शन में जाइए और इमेज ऑप्शन में आप जैसे ही जा कर के चेक करेंगे तो आप एल्बम में सीधे अपने जा पाएंगे। जैसे ही आप एल्बम में आ जाते हैं तो फिर आप कोई भी ऑप्शन अपना चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डाउनलोड से कुछ ऑप्शन चूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया किसी कैमरे की पिक ले ली। उसके बाद मैंने इस कैमरे की पिक को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है हमें और मैंने इसको डन कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसको डन करूँगा ये मेरे को कैमरे की पिक यहाँ पर आकर के मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ देखिए जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये क्या है कि थोड़ा सा वैसी ब्लर सी दिख रही है, इसके पीछे जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी वैसी दिख रही है। तो अब हमें करना क्या है कि मैं चाहता हूँ वैभव जो है वो इसके ऊपर आए और ये कैमरा जो है वो नीचे रहे। तो आप सबसे ऊपर जाएंगे, ये थ्री लेयर्स में दिख रहा है, आप जैसे लेयर्स खोलेंगे यहाँ से तो आपको ये दिख जाएगा। अब इसके बाद मुझे ये
इस फोटो को होल्ड करना है और इसको स्लाइड करके नीचे लेके आना है। जैसे ही हम नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे कि वैभव ऊपर आ चुका है, फोटो नीचे जा चुकी है। तो इस प्रकार से आप कोई भी फोटो एडिट कर सकते हैं। अगर इसको मैं चाहूँ तो नीचे एडजस्ट करके मैंने फिर से ले आया हूँ और आप इसको नॉर्मली एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कई फ़ोटो बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोबाइल से बैनर या पोस्टर बनाए मिनट, ये मैंने जो थंबनेल बनाया है ये भी इसी फ़ोटो एडिट द्वारा बनाया है। या आप इस तरीके से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कुछ एडिट कर सकते हैं। आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, आप टैग लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी पर्सनल फ़ोटो भी लगा सकते हैं। कुछ भी चुनाव प्रचार आदि के लिए भी आप इस तरीके से भी पोस्टर बना सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से भी आप फ़ोटो में बना सकते थे। और जैसे आप इसको आप सेव करना चाहते हो तो आप सेव करने के लिए सीधे आप सही के ऊपर जो निशान बना है उसमें क्लिक करेंगे तो सेव एज लिख के आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये फॉर्मेट में डिज़ाइन में सेव हो जाए तो आप इसको डिज़ाइन में पहले सेव कर लीजिए ताकि आपको दोबारा ऐसी अगर कोई इमेज बनानी हो तो कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद आप इमेज में भी इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आप इमेज में सेव करेंगे तो ये इमेज में अब सेव हो चुकी है। इमेज सेव होने के बाद में आपको ये साफ साफ करा जाएगा, योर पोस्टर सेव्ड सक्सेसफुली इन इमेज, और आपकी ये फ़ोटो सेलेक्ट हो चुकी है। तो होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा कि फ़ोटो कैसे एडिट करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो प्लीज़ गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरा पोस्टर आपको बना करके दिखाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल।